दोस्तों आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज। दो दिन के गुजरात दौरे पर योगी, बोले राहुल तो अमेठी तक का विकास नहीं कर पाए। सीएम योगी आदित्यनाथ के गुजरात चुनाव कैंपेन का पहला फेज शुक्रवार से शुरू हुआ। योगी बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं और बीजेपी उनकी लोकप्रियता का विधानसभा चुनाव में फायदा लेना चाहती है। गुजरात के वलसाड जिले में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गांधी तो अपने चुनाव क्षेत्र अमेठी तक का विकास नहीं कर पाए। कांग्रेस ने पैसा विदेशों में भेजने का काम किया है। देश में विकास नरेंद्र मोदी की ही अगुवाई में हो रहा है। वलसाड में योगी ने कहा, अमित भाई यहां आते हैं पर राहुल गांधी इटली भाग जाते हैं, तब उन्हें गुजरात की याद नहीं आती। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में एक बात मशहूर है कि किसी भी चीज की मंजूरी के लिए वे नेहरू गांधी परिवार की तरफ देखते थे। अगर उनकी तरफ से न हो गया तो वे भी चुप हो जाते थे। 10 साल शासन के बाद भी राहुल अमेठी में कलेक्टोरेट की बिल्डिंग नहीं बना पाए। इस बात को समझ लीजिए कि राहुल जहां प्रचार करने गए वहां कांग्रेस की हार पक्की। 41 साल में कांग्रेस ने सरदार पटेल को भारत रत्न देने की जहमत नहीं उठाई। जब अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बने तो उन्होंने ये मुद्दा उठाया, योगी करेंगे कई जनसभाएं। योगी इस यात्रा में कई जनसभाएं करेंगे। 13 अक्टूबर को योगी आदित्यनाथ सूरत के 84 विधानसभा के सचिन क्षेत्र में जनसभा करेंगे। रात को वे सूरत सर्किट हाउस में रुकेंगे। 14 अक्टूबर को योगी सूरत से भुज जाएंगे। वहां पर वह गुजरात गौरव यात्रा में शामिल होंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह कच्छ पहुंचेंगे। वहां से वह देर रात दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में रुकने के बाद सीएम रविवार को लखनऊ लौटेंगे।